हमारे मंच पर बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव भूपेंद्र जी, प्रदेश उपाध्यक्ष ओंकार सिंह जी, हमारे बाहर से आए हुए विधायक भीम के हरि सिंह जी और थानागंज के हेम सिंह जी और अजमेर की अनिता जी आई ना, अनिता जी और आरती के विधायक वो भी हैं, रामलाल जी और खेल परिषद पूर्व अध्यक्ष वो धर्मनारायण जी यहाँ आए जिन्होंने पूरा ये सब काम करवाया, थैंक यू। और मंडल के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जी का नाम अच्छी जिनके साथ अभी हमने फोटो लिया और मंडल अध्यक्ष विनायक जी देवी प्रकाश जी शर्मा, मंडल अध्यक्ष विजयनगर के ओम प्रकाश जी शर्मा और हमारे पशुपालन विभाग बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष और एमएलए साहब छोटाराम जी देवासी। और इस क्षेत्र से पिछले बार चुनाव लड़े श्री नवीन जी शर्मा करूं क्योंकि आप लोगों ने कमाल कर दिया है जिस तरीके से सब लोगों ने आगे अपना प्यार बताया पर आपने तो किया तो किया आप इधर इन लोगों की भीड़ को देख के माताएं बहने मैं तो वाकई में गदगद हूँ। आज आप लोगों ने जो हमारी हौसला अफजाई की है इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। महिला होने से हम लोगों को बहुत कुछ सुनना पड़ता है क्यों जी, आप लोग सब बैठी हो आपको मालूम है। और इसके बीच में से भी लड़के अगर अपने घर को हम खुश कर सकते हैं, अगर अपने घर को विकास के रास्ते पे लगा सकते हैं और अगर हमारे घर के सब लोगों को अपने पैर पे मजबूती के साथ खड़ा कर सकते हैं तो माताएं बहने किसी मजा आता है, आता है ना मजा। और सपना अपना यही है कि आगे चल के हमारा परिवार मजबूत हो जाए, ऐसा परिवार हो कि उसके सामने सब नतमस्तक हो जाए, ऐसा चाहते हो ना, ऐसे ही चाहते हो, हम भी चाहते हैं आप भी चाहते हो, एक ऐसा राजस्थान चाहते हो जिस राजस्थान के अंदर हमको अपनी मूलभूत सुविधाएं मिल जाए। और मैं आज आप लोगों के क्षेत्र के बारे में कल से मैं सोच रही हूँ, पता कर रही हूँ कि भाई पानी का क्या है उसका क्या, तो मैंने पता किया कि आपके शहर के अंदर 48 घंटे में एक बार और वो भी आधे घंटे के लिए पानी आता है, क्या ये सही है, सही है 48 घंटे में पानी आता है, अरे 48 घंटे में 15 या आधा घंटा या 20 मिनट कौन पी सकता है पानी, मैंने मतलब ये तो मजाक ही समझो, एक किस्म से मजाक है। बीसलपुर से मसूदा क्षेत्र के मगरों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए हम लोगों ने योजना बनाकर हमने अपना उसके ऊपर काम चालू किया था, आपको याद होगा क्योंकि आप ही लोगों के साथ जब बैठकें हुई थी तो आप लोगों ने चला के हमको ये कहा था कि हमें और कुछ नहीं चाहिए बस हमें पानी पिला दो, हमारे पानी का काम हो जाए, हमारे क्षेत्र के अंदर सिंचाई भी अगर हम कुछ कर सकते हैं तो हम ऐसे टीलों के ऊपर रहते हैं कि हम लोगों की हमारी बहुत ही मुसीबत होती है, क्या हमारा पानी आप पिला सकोगे। और मैंने कहा कि हाँ हम लोग कोशिश करेंगे, इसलिए हमने योजना बना के काम चालू किया और मगरों के अंदर पेयजल की टंकी बनवाकर तैयार कर दी, ये भी आप लोग जानते हो अलग अलग मगरों के ऊपर टंकियां तैयार हो गए। अब क्या काम रह गया, खाली पाइपलाइन लेके उसको जोड़ने की जरूरत थी और 4.5 साल में यही नहीं कर सके, मेरे सब काम हो गए, हमें तो खाली जोड़ने की जरूरत थी वो भी नहीं हम कर पाए, आप समझो कैसी सरकार है। आज भी दूर दूर तक जाना पड़ता है और मुझे तो दुख होता है मेरी माता बहनों के लिए क्योंकि अभी मैं 1-1.5 महीने से सब लोगों के बीच में हूँ, जैसे जैसे मैं घूमती हूँ तो सबसे पहले माताएं बहने आके मुझे अपने हाथ दिखा के बोलती है देखो छाले देखिए, कोई कोई मेरे को कहती है ये देख लो कि हमको इसके ऊपर मटका लेके आना पड़ता है और दूर दूर से आना पड़ता है, किसी को आधा किलोमीटर किसी को उससे भी दूर,
और मैं बता रही हूँ कि डेढ़ महीने के अंदर जहाँ जहाँ मैंने दौरा किया है वहाँ सब दूर पानी की बोझार, मैं तो मालूम है ना, सब दूर पानी की किल्लत ऐसी जोरदार हो रही है कि मुझे समझ में नहीं आता कि सरकार ने चल के आज तक क्या किया है। मैं दुख की बात है क्योंकि अगर आप देखो उनके सबके हाथों को देखो। अच्छा, एक जगह रास्ते पे महिलाएं पानी निकाल रही थी कुएं में से, तो मुझे बुलाया, मैं बस में निकल रही थी, मुझे रोक के बुलाया, आ जाओ उधर। मैं उधर की गई, उसने बोला ले रस्सी और पानी निकाल के बताओ। अब मैं ये तो नहीं कह सकती थी कि मैं पानी नहीं निकाल सकती हूँ, तो मैंने भी हाथ लगाया उसको। मैंने सोचा कि भाई रस्सी ऐसे ऐसे खींचने की जरूरत होती है, तो पानी के लिए घड़ा डालना तो मुसीबत नहीं था, परंतु घड़ा उसमें से फिर निकालना, और घड़ा नहीं था बाल्टी थी, तो उसको निकालना। और उसने कहा मेरे को तो तीन तीन बाल्टियां निकालनी पड़ती हैं तब मेरा वो बड़ा घड़ा भरता है। और फिर एक आदमी, एक महिला मेरे को मदद करती है कि उसको उठा के मेरे सिर पे रखूं। मैंने कहा वो तीन बाल्टी निकालने में मेरा तो वैसे ही कचुम्बर हो गया, अब तुम मेरे सिर पे रख दोगे तो मैं तो चल ही नहीं पाऊंगी। मुझे समझ में नहीं आता है कैसे चलती हैं ये सब। अब चलती हैं और लगातार चल रही हैं, और सरकार 65 साल के बाद भी आज इस चीज को मिटा नहीं पाए हैं। कैसी शर्म की बात है आप समझो। मैं अभी पानी के ऊपर देख रही थी तो मैंने देखा कि एक क्षेत्र के यहाँ के जो मंत्री हैं पानी के, उन्होंने अखबार में 2-4 हफ्ते पहले ये कहा कि पानी की तो कोई किल्लत है नहीं। मंत्री ने कहा कि पानी की कोई मुसीबत नहीं है। आपने किसी ने देखा इस मंत्री को? कोई गांव में आया, किसी ने पता किया? जयपुर के अंदर वो एयर कंडीशन में बैठ बैठ के आपको ये सब कह रहे हैं कि हमें कोई पानी की जरूरत नहीं है और हमें पानी की कोई किल्लत नहीं है। अरे जाके बता दो कि कैसी किल्लत है और क्या है मुसीबत। और ये 50 साल से यही चल रहा है। शर्म आनी चाहिए उस सरकार को जिसने 55 साल ये सरकार चलाया और आज दिन तक पानी की किल्लत को सुलझा नहीं सके हैं। कैसे लोग हैं? मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप ये समझिए कि 2011 और 2012 के अंदर 330 करोड़ रुपया इस सरकार को पानी के पेटे मिला था। उसमें से इन्होंने 24 करोड़ रुपया पूरे साल में इस्तेमाल किया, सिर्फ 24 करोड़, और 306 करोड़ रुपया लैप्स हो गया। कितनी शर्म की बात है। ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है, पैसा है, परंतु हमारी इच्छा शक्ति नहीं, हम जानते नहीं कि कैसे काम करो, और हम अपने प्रशासन को लगा नहीं सकते, और इसीलिए आज हमारी जनता प्यासी मर रही है, हमारा पैसा वापिस जा रहा है और हम उनको पानी नहीं पिला सकते। 2012-13 के अंदर 601 करोड़ मिले सरकार को पानी के पेटे, और उन्होंने इस्तेमाल किया 29 करोड़ रुपया, और वापस गया 582 करोड़ रुपया। एक साल का 582 करोड़ रुपया, समझो कितने सारे गांव, माताओं बहनों कितने सारे गांव को पानी मिल जाता अगर वो सही तरीके से इस्तेमाल किया जाता। एक मिनट के लिए समझो, 1 करोड़ रुपए में कितना काम हो जाता है। 582 करोड़ रुपया अगर हमको मिल जाता तो मजा ही मजा आ जाता, कितने सारे गांव के अंदर पानी की कोई किल्लत नहीं होती। अब 2013-14 के अंदर 1300 करोड़ रुपया मिला है, और आज दिन तक इन लोगों ने 56 करोड़ इस्तेमाल किए हैं। और क्योंकि 1-2 महीने के अंदर आपके वो चुनाव आचार संहिता लग जाएगी, तो ये समझो कि 1240 करोड़ रुपया, कितना 1240 करोड़ रुपया, कितना पैसा समझो, ये वापस जाएगा। ये वापस इसलिए जाएगा कि हमारी सरकार बिल्कुल ही अक्षम थी और हमारा प्रशासनिक अकुशलता थी। ये सब की वजह से आज आपको जो पानी पीना चाहिए था और 55 साल में सबको पानी मिलना चाहिए था, आज वो आपको पानी नहीं मिल रहा है। मैंने इसके अभी कुछ और पता करने की कोशिश की थी तो मैंने देखा कि हकीकत में 35% लोग को जरूरत के हिसाब से सरकार पानी नहीं पिला पा रही है। नंबर एक, 60% से ज्यादा को नल का पानी नहीं मिल रहा है, पूरे राजस्थान की बात कर रही हूं मैं, और दूषित पानी पीने वाले राज्यों में सबसे नंबर ऊंचा एक नंबर वो है राजस्थान। वाह वाह वाह, ऐसे लोग आते थे ये देखने के लिए, इतिहास में राजस्थान का नाम है, सब लोग राजस्थान के बारे में बात करते थे, और हम अब हमारा सिर
शर्म से झुकाते हैं, क्योंकि अगर हम जाने जाते हैं तो जयपुर जाना जाता है कि वहां सबसे ज्यादा महिलाओं की चेन खींचती है, इसके लिए हम जाने जाते हैं। हम जाने जाते हैं कि अरे वो प्रदेश जहां दूषित पानी पीते हैं सबसे नंबर एक अगर है वो प्रदेश, शर्म आती है। ये देखो एक चौथाई राजस्थानी परिवार को आधे किलोमीटर से दूर जाना पड़ता है अपने पानी को लाने के लिए, और केंद्र की सरकार की रिपोर्ट है खुद की कि 48% जल स्रोत को पानी पीने बिल्कुल पानी पीने योग्य नहीं है। लाइन दी थी अलग से, वो 20-22 घंटे बिजली मिला करती थी हमारे समय के अंदर, अब मिल रही है क्या? बताओ माताएं बहने, मिल रही है क्या? नहीं मिल रही है। और अगर किसी भी गलती से आप लोगों का ट्रांसफॉर्मर खराब हो जाता है तो 72 घंटे में आ जाता है वापस, 72 घंटे में आ जाता है। अब बताओ, और आता है तो 2 महीने में, कभी कभी 2.5 महीने में, और आपको बिना रिश्वत के आता है क्या? बिना रिश्वत के आता ही नहीं। और अगर सप्लाई मिल रही है तो ट्रिपिंग, जोरदार ट्रिपिंग, आपको सही तरीके से बिजली मिलती है क्या? बिना ट्रिपिंग के बिजली नहीं मिलती। और मैं पूछना चाहती हूँ कि घरेलू कनेक्शन के बिल, एक बिल तो 2,30,000 रुपए का बिल किसी को मिला है? ये भी मिला है? अरे अरे सॉरी, जब मैंने पढ़ा था तो 2,33,000, अभी 3,33,000। अरे वाह वाह, आप लोगों के क्या कहेंगे, आप लोगों के क्या कहेंगे, ये तो अलग ही है, आप लोग तो अलग अपना रिकॉर्ड बना रहे हो। डीपी बदलने का तो समय मैंने आपको बताया, और अस्पताल के तो अच्छे हालत होंगे आपके, डॉक्टर डॉक्टर ही डॉक्टर, ज्यादा से ज्यादा पद खाली, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर माताएं बहने महिला डॉक्टर तो होगी, एक्सरे मशीन तो बहुत मजे से चल रहा होगा, और ईसीजी और सोनोग्राफी के लिए आपको यही सब कुछ सुविधा मिल जाती होगी। मसूदा उत्खन से जुड़े जो चारों सड़कें थी उनकी मरम्मत होने से और भी जल्द हालत हो जाए, ये तो बड़ा अजीब मामला है कि मरम्मत करो और जर्जर हो जाए। मैंने ये देखा कि बांधनवाड़ा मसूदा सड़क का एक नवीनीकरण हुआ, तो वो भी आपके भ्रष्टाचार के वाला हो गया, क्योंकि आगे से सड़क बनती गई पीछे से उखड़ती गई। कभी तो अपने आप में एक अलग ही अनूठा एक दृश्य है, मैंने वहां कहीं देखा नहीं। ओलावृष्टि से प्रभावित हुआ क्षेत्र आप तो मिल गया होगा, हर चीज के लिए तो नहीं कह सकते ना, मुआवजा तो मिला ही होगा। हमने तो अखबार में देखा, टेलीविजन में देखा, और जयपुर के अंदर कि इन्होंने बहुत अच्छा पैकेज बनाया है किसानों के लिए, जिनके यहाँ ओलावृष्टि हुई, जिनका जिनकी फसल खराबा हो गई, उनके लिए उन्होंने बहुत अच्छा पैकेज बनाया। बिजली का आपने मैंने कमी करके दिया, बिल दिया क्या, और आपको बहुत मदद करी। मैं तो ये देख रही हूँ कि जहाँ 59% खराबा था वहाँ 2 से 5% तक मुआवजा मिला। इसका मतलब यह है कि नुकसान हो 2 लाख का और स्वीकृति मुआवजे की है 5,000 की। वाह वाह वाह, ऐसी हो सरकार, हमको कोई चिंता करने की जरूरत ही ना। ऐसे जिस तरीके से चल रही है, हम तो भगवान भरोसे हैं, ईश्वर अगर कुछ करे तो हमारी जान बच जाए, नहीं तो इस सरकार के भरोसे अगर हम चले तो मालूम नहीं कहाँ पहुंच जाए। मसूदा के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में विज्ञान संख्या में भी एक भी टीचर नहीं। समूचे विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो जो बड़े बड़े महाविद्यालय बन गए, महाविद्यालय ना राजकीय महाविद्यालय और ITI खोलने की जरूरत है नहीं, इतना छोटा सा काम है, आप लोगों का यही काम नहीं कर सके। और स्थानीय विधायक जो है ना, वो तो रोज आपके यहाँ आपकी आके खबर पहुंच जाता है कि आप कैसे हो, कैसे हो, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। और मैं तो ये देख रही हूँ कि आप लोगों की समस्याओं को ठीक करना वो तो दूर है, पर विधायक कोष का पूरा पैसा भी क्षेत्र के विकास के लिए अभी तक स्वीकृत नहीं कर पाए। विजयनगर वालों ने मांगा है कि रेलवे फाटक उसके नीचे का अंडरपास हो, हॉस्पिटल 100 बेड के क्रमोन्नत हो जाए,
सुएज लाइन बन जाए और कपास की ये श्रेणी की मंडी हमारी बन जाए। आप ये क्या है, ये कितने छोटे छोटे काम है, ऐसा कोई इतना विशाल काम नहीं है जिसके लिए आपको 5-5 साल लगे। मैं कभी देख के हैरान हूँ कि इस तरीके से अगर काम चलने वाला है तो फिर हमारा राजस्थान आगे बढ़ नहीं सकता। मैंने देखा कि महानरेगा का काम, आपके क्षेत्र में महानरेगा चल रहा है क्या? अपने टाइम में 26 लाख लोगों को इसमें रोजगार देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया और पूरे मैं देश के अंदर ये समझो कि सबसे ऊंचा और अच्छा काम करने वाला प्रदेश अगर वो था 26 लाख लोगों को रोजगार, और आज 1,25,000 लोगों को रोजगार मिल रहा है। 13,000 करोड़ रुपया खा गए हैं उन्हीं के नाम। किसी को 100 रुपया दिन का मिलता नहीं है, कभी किसी का कहीं 13 कहीं 30 या कहीं ऐसा भी समझ लो कि एक दो जगह ऐसे भी है जहां 1 रुपया मिला है। हमें काम फ्री में करो, प्रदेश के लिए काम बिल्कुल फ्री में करो। आप प्रोफेसर देने की बात नहीं है, बोलते कुछ है दिल्ली के अंदर, करते कुछ है। मैं सब लोगों से ये कहती हूँ कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे बढ़ाएंगे तभी आगे चल के उनको नौकरी मिलेगी, तो पढ़ा तो सकते हैं नहीं क्योंकि टीचर तो है नहीं, बढ़ेंगे उसके बाद उनकी नौकरी का इंतजाम इस सरकार में तो होना नहीं है। परंतु हम लोगों की सरकार में 10 लाख लोगों को हम लोगों ने रोजगार दिया, उसमें सरकारी और गैर सरकारी दोनों काम हम लोगों ने किए। अब मैं देख रही हूँ कि जब से ये हमारी यात्रा चालू हो गई है तो एक हमारे पीछे पीछे एक संदेश यात्रा भी चालू हो गई, और मैं देख लिया कि इन्होंने जो बात की दौड़ के दूसरे दिन उसके ऊपर दस्तक करके कह लेते भाई करा दो। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर इतना आसान है ये सब करने का तो पहले 4 साल से क्यों नहीं कर रहे, अभी एकदम से क्यों याद आ रही है? जब मैं आपको याद दिला रही हूँ कि पानी नहीं मिल रहा लोगों को, बिजली नहीं मिल रही है लोगों को, रोड के लिए पैसे आपने नहीं दिए, दौड़ के रोड के लिए पैसे ले लो, पेंशन नहीं मिल रहा है लोगों को, अरे बताओ किसको देना है पेंशन, 12 साल के बच्चे को पेंशन देना है उसको भी दे दो, कोई बात नहीं है सबको पेंशन दे दो। अभी मैं पूछ रही हूँ कि भाई कर क्या रहे हो? हम लोगों ने आपके लिए एक भामाशाह योजना चालू की थी, आपको याद होगा 2007 की बात है, और मैंने ये कहा था कि 50 लाख लोगों को हम इससे लाभान्वित करेंगे, और उसमें हमने कहा था कि परिवार की महिला द्वारा हम करेंगे ताकि महिला की इज्जत भी बढ़ेगी, और हमने ये कहा था कि उसमें लघु सीमांत कृषक हो, उसमें बीपीएल के परिवार हो, उसमें एससी और एसटी हो, उनमें पेंशन हो, उनमें प्रोत्साहन राशि के रूप में 1500 रुपए हो, और उसमें हमने ये भी कहा था कार्ड ले लो और कार्ड के ऊपर 30,000 रुपए का स्वास्थ्य बीमा भी उसके साथ हमने लगा दिया। अब कितना सारा काम था, आपने कोर्ट में जाके उसको रुकवा दिया। अगर उसको ही चालू रखा होता, क्योंकि 870 करोड़ रुपए हमने उसके साथ रखे थे, आज भी 150 करोड़ रुपए आपके बैंक में पड़ा हुआ है किसी का पैसा, 600 कुछ रुपया मालूम नहीं कहा गया, इस सरकार से तो आप कोई हिसाब मांग ही नहीं सकते हो। परंतु अगर ये काम उन्होंने कर दिया होता तो ये इतने 4.5 साल तक महिलाओं को आप सबको पेंशन वेंशन ये सब काम आपके हो जाते, अभी भगदड़ मचती नहीं और व्यवस्थित रूप से आपका काम हो जाता। कई जगह पर मैं गई तो प्रशासन शहर की ओर, प्रशासन गांव की ओर, तो कैंप रात के 2-2 बजे तक लग रहे हैं। मैंने कहा वाह कैसे लोग हैं, देखो कितना प्रशासन मदद करना चाहता है लोगों की। 2 बजे रात को 3 बजे रात को प्रशासन अपना कैंप चालू रखा है। मैंने पता किया गांव वालों से, बताओ भैया तुम्हारे बहुत सारे काम हो गए होंगे, उन्होंने कहा साहब 38 ग्राम पंचायत में से 11 ग्राम पंचायत का आधी रात को बैठ के इन्होंने मिल के मालूम नहीं क्या घपला सपला किया, और जो बाकी बचे हुए थे वो हमारे को तो गए तो दौड़ा दिया वहां से कि जब आ गए यहाँ से, हमारा किसी का काम ही नहीं किया। तो जो वो करना चाहते थे, वो जो खाने पीने की बात थी, वो खाने पीने की तो बातें हुई है शहर की ओर और गाँव की ओर, परंतु आगे आप कुछ नहीं कर पाए। भ्रष्टाचार की चरम सीमा नहीं, दिल्ली में तो हो रहा है वो तो आप देख ही रहे हो, परंतु यहाँ भी कोई होटल बना के अपने बच्चों को उसमें फिट कर रहा है, कोई खान आवंटित कर रहा है, कोई प्रोफेसर बना रहा है, कोई टीचर बना रहा है, कोई जमीन ले रहा है, कोई जमीन बेच रहा है, और भी और आपके रॉबर्ट वाड्रा जिसको हम कहते हैं कि वो देश का
जवाई हैं, देश के जवाई को यहाँ लाके और यहाँ लाके उनको कह दिया लो बीकानेर आपका, जैसलमेर आपका, बाड़मेर आपका, लो जितनी जमीन आपको लेनी है और करो धंधा जितना करना है, ली सस्ती बेची और पैसा बना बना के गए। और जो हमारा गरीब किसान कहता है हमको एक बीघा दो बीघा तीन बीघा जमीन दे दो अलॉट कर दो, उसको तो नहीं मिलेगा। तो इन सब लोगों को पैसा बनाने के लिए हमारे पास जमीन जितनी चाहिए वो है। मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहती हूँ, आज सुन लो, मध्य प्रदेश को उनकी जनता ने 10 साल दिया, उस मध्य प्रदेश के लोगों ने आज पूरे देश के नक्शे के ऊपर मध्य प्रदेश को चमका के रख दिया। जाओगे मध्य प्रदेश में तो मालूम पड़ जाएगी। उधर गुजरात के अंदर आपके नरेंद्र मोदी जी को 15 साल दिए, तो 15 साल के अंदर देश नहीं विदेश के अंदर नाम हो गया है गुजरात का। और मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि राजस्थान के अंदर 5 साल आपने मुझे दिए, जब हम लोगों ने मेहनत करके बीमारू प्रदेश को अपने पैरों पे खड़ा करने का काम किया बड़ी मुश्किल से, 7 साल आपने भैरव सिंह जी को दिए, जिस टाइम में किसान और गरीब की बात को भैरव सिंह जी ने आगे बढ़ाया, और 12 साल छोड़ के 65 साल के 53 साल एक छत्र राज कांग्रेस को हमने दिया। और देखो हमारी हालत क्या है, आज पीने को 53 साल के बाद आज पीने को पानी नहीं है, आज बिजली नहीं है, आज खाने को नहीं है, जोरदार महंगाई चल रही है, पेट्रोल डीजल कहां से कहां जा रहे हैं, कोई सीमा ही नहीं है। और आज 53 साल के बाद एक छत्र राज एक पार्टी का विश्वास करने के बाद हमारी क्या हालत है, ऐसे लोगों को क्या कुर्सी पे बिठाना चाहिए हमको? ऐसों का हक भी नहीं है उस कुर्सी पे बैठने का। आज जिस तरीके पैसे फेंक फेंक के कह रहे हैं टेलीविजन के ऊपर, पूरा टेलीविजन ही टेलीविजन, बस खाली अशोक गहलोत का नाम लेता है। मैंने कहा भैया हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम टेलीविजन के ऊपर छाएं, परंतु भगवान की दया से हमारा इतना बड़ा परिवार है, इस परिवार के अंदर 36 से 36 इस परिवार के अंदर सब मजहब इनको छाती से लगा के हमने एक परिवार के रूप में सबके बीच की खाई को हटा के प्यार से बांधने की हमने कोशिश की है। यही हमारे झंडे, यही हमारे डंडे, यही हमारी आवाज है। हमें टेलीविजन और इन सब चीजों के ऊपर नहीं, हम हमारी जनता के द्वारा, हम हमारे परिवार के द्वारा, हम हमारे प्रेम के द्वारा, हम राजस्थान के स्वाभिमान की कसम खा के और हमारी जनता की कसम खा के हमने तय कर दिया कि एक ऐसा नया राजस्थान बना के छोड़ेंगे जिसके पीछे लोग आएंगे। मैं आपको बताऊं, एक समय था जब राजस्थान का नाम महाराणा प्रताप के लिए, जब राजस्थान का नाम हमारे किले, हमारे महल, हमारे इतिहास की वजह से लोग अपने दुनिया को छोड़ छोड़ के यहाँ आते थे कि देखो तो सही राजस्थान क्या चीज है। उस शूर वीरता की जो भूमि है उसको उठा के अपने माथे पे लगाते थे कि ये राजस्थान है। आज देखो हमारी शर्म के बारे में तो कहती हूँ, चुनरी भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए उन लोगों को जिन लोगों ने 53 साल के बाद इस राजस्थान को आगे बढ़ा के नहीं गड्ढे में डालने का काम किया। कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है कि हमारे बच्चों को हम पढ़ा नहीं सक रहे हैं। अरे एक नया रूल बना दिया कि 8वीं तक सबको पास करा देंगे, क्या मतलब है? मैं उदयपुर में गई थी भाइयों, आप समझोगे नहीं, उदयपुर के आदिवासियों ने मुझे पकड़ के ये कहा कि ये हमारे साथ जो है एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है। आदिवासी ने कहा कि ये जो कर रहे हैं ये षड्यंत्र है, ये नहीं चाहते कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे और मजबूत होकर अपने पैर पे खड़े हो जाए, कि कॉम्पिटिशन में बैठे, वो नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने ये काम का चालू कर दिया है ताकि हम सब गड्ढे में पड़े रहेंगे और हमारे ऊपर से लोग चले जाए। ऐसा कुछ होता है क्या? स्कूल के अंदर टीचर नहीं है, कॉलेज के अंदर टीचर नहीं है, बच्चों को कॉलेज के अंदर जाना नहीं है, और अब ये नया बात कि उनको पास करा दो तो हमें नए स्कूल खोलने की जरूरत नहीं, हमें नए टीचर लाने की जरूरत नहीं। अरे भाई तुम तो 9वीं तक आराम से घर पे पढ़े रहो और 9वीं में जाके अपना काम शुरू करो, तो हमारा क्या होगा राजस्थान में, क्या होगा राजस्थान का? मैं तो सब लोगों को कह रही हूँ कि ये हम लोग किसी की मदद नहीं करेगा, हम होनहार लोग हैं, हम अपने पसीने के बल चलते हैं और हम सबको साथ लेके चलते हैं। अरे कांग्रेस ने 50 साल से एक ही रीत अपनाई है, काम नहीं करना, काम तो कभी करते ही नहीं है, पैसा खाना,
हमेशा खाते हैं, पहले भी खाते थे, अब भी खाते हैं, पहले 100-100 रुपए खाते थे, अब लाखों करोड़ों में खाते हैं। परंतु मैं आपको ये बताऊं, उन्होंने ये सोच लिया, अब मजाक कर रहे थे मेरे साथ एक दिन चाय पे, आप तुम लोग मालूम नहीं क्यों इतनी मेहनत करते हो, मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, अरे एक जात को दूसरी से लड़ा दो, एक मजहब को दूसरे से लड़ा दो, अरे चुनाव आते आते कुछ तो वोट आपके पास जाएंगे ही जाएंगे इस झगड़े की वजह से, तो सोच के रखा हुआ है। 50 साल हमने राज ऐसे ही किया है, एक दूसरे को भिड़ा भिड़ा के हमारा फायदा हमने देखा है। मैं ये कह रही हूँ कि अभी फायदा नहीं होगा, क्योंकि पूरा का पूरा ये सब के सब 36 से 36 काम सब अपने हैं, और इनको लेके चलना ये हम सबका काम है। प्यार से चलेंगे और विकास करके छोड़ेंगे। आज इतनी शर्म की बात है कि बिहार, अब अपन क्या जानते थे कि जब बिहार की बात चलती थी तो सोचते थे कि बिल्कुल ही गड्ढे में पड़ा हुआ क्षेत्र जो है वो बिहार। आज बिहार का विकास दर 16%, मध्य प्रदेश का 16% और राजस्थान का 5%। कहाँ आ गए आप? और अगर 5% पे आ गए तो आप बिहार से भी नीचे हो गए। क्या गए बीच में, क्या मतलब नहीं है? और क्या करेंगे, कैसे करेंगे? हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि मैं तो कह रही हूँ कि आज हमारी महिला सुरक्षित नहीं है, सड़क पे नहीं चल सकती, किस तरीके से व्यवहार हो रहा है, कैसे कैसे अत्याचार हो रहे हैं। अरे दिल्ली की क्या बात करते हो, जयपुर ही देख लो, आप अपने क्षेत्र के अंदर देख लो। जब हमारी हमारी बहन हमारी बेटी इसके इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो कैसे बैठ सकता है हमारा परिवार का मुखिया, कैसे बैठ सकता है? मैं तो समझती हूँ कि ऐसे लोगों को तो एक मिनट के लिए उस कुर्सी पर नहीं बैठना चाहिए। हमारी इज्जत, हमारी आबरू हमारे घर की महिला है, अगर उसकी इज्जत उसकी आबरू पैरों के नीचे रौंदी जाती है तो हम उस कुर्सी पर नहीं बैठ सकते, क्योंकि हमारा पूरा परिवार का स्वाभिमान खत्म हो जाएगा। आज माताएं बहने आपको चिंता है, हम सबको चिंता जो यहाँ बैठे हुए, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे होनहार बने, हम चाहते हैं कि अपने पैरों पे खड़े रहें, हम चाहते हैं कि आगे वाले लोग यहाँ आए और जिस तरह तमिलनाडु के अंदर कर्नाटक के अंदर अपने बच्चों को लेके जाते हैं कि हमारी फैक्ट्री में काम करें, ऐसा हमारे यहाँ भी हो। अगर हम चाहते हैं तो जिस प्रदेश के अंदर सड़क नहीं, जिस प्रदेश के अंदर बिजली नहीं, जिस प्रदेश के अंदर पानी नहीं, वहाँ कोई निवेश करने आएगा क्या? धंधा करने हमारा भीलवाड़ा सब पूरा जा रहा है गुजरात। मैंने अभी देखा उधर आपके भोपाल जी के इलाके के अंदर सब आपका वो जो जीरा मंडी और आपका वो क्या बोलते हैं ईसक गोल का मंडी सब पूरा चला गया ऊंझा गुजरात। हम क्या कर रहे हैं? हमारे जितने जितने कोई तो महाराष्ट्र चला गया, कोई कहीं और चला गया, अरे राजस्थान का क्या होगा, कभी किसी ने सोचा? और यहाँ बट रही है, अरे आ जाओ भैया तुमको क्या चाहिए बस बता दो, ब्यावर को आपको जिला बनाना है, एक मिनट में ले लो, अभी आते हैं मेरे पीछे, अभी आ रहे हैं वो, एक मिनट के अंदर मेरे मुंह से कह रहा हूँ मैं तो आ रही हूँ आपके सामने, को जिला बनाना है कि नहीं, क्या चाहिए आपको, सोने का महल क्या चाहिए आपको, एक दूध की नदी क्या चाहिए आपको, ब्यावर का जिला आ रहे हैं, चिंता मत करो, अभी तो चुनाव तो पहले भैया, अभी आएगा तो देखा जाएगा, सब काम हो जाएंगे, चिंता मत करो, बस प्यार से मुझे बुला लो, सारा काम हो जाएगा, पूरा खजाना तुम्हारा है, बस बोलो क्या चाहिए, क्या चाहिए बस बता दो मेरे। अब मैं यही कह रही हूँ आपको, मेरे को बुलाओ, मेरी आरती उतारो, मेरे को यहाँ बुलाओ, और मेरे से बोलो बोलो मैं वो बोलूँ तुम्हारा काम हो जाए, ये काम है ना, ये शर्म आनी चाहिए हम लोगों को। ऐसी चलती है सरकारें कि चुनाव आ गया तो हम दौड़ रहे हैं, अगर 4.5 साल क्या कर रहे थे, अगर यही सब हमको करना था, कुंभ कर्मी नींद जागे, 4 महीने बाकी बच रहे हैं, 4 महीने बाकी बच रहे हैं, अरे भैया आपको तो जान बचानी है जल्दी से, इनके आंखों में हम अच्छे बन जाएं, और इसलिए इन्होंने यात्रा निकाली, चलो मैं भी संदेश यात्रा निकालू, संदेश यात्रा भी भाग रही इधर से उधर। मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि देखो भैया गुलाब जी के साथ जो हुआ वो आप सबके सामने, अब जब उनको लग रहा है कि कुछ नहीं तो डराओ, कौन डराने के लिए, सीबीआई ले आओ, सीबीआई को तो सीबीआई पहले एक को कर दिया,
फिर उसके बाद दूसरे को कर दिया। मेरे को समझा रहे हैं कि देखो भैया सीबीआई होती है चीज है, हमने कहा हम भी समझे हुए हैं, हमें चिंता नहीं है, आप लोग कब करो जो करना है, कब तक चलेगा, ये हमारा परिवार बैठा हुआ है और मैं तो समझती हूँ कि ढाल जैसे सामने खड़ा हुआ है, हमें चिंता नहीं है, हमने जो किया वो सही समझ के किया और हम आगे भी वही काम करेंगे जो सही समझ के कर रहे हैं। अगर हमारे परिवार के लिए हमको करने की जरूरत होगी तो हमने ये कहा है कि मैदान के उतर के लड़ेंगे और हम अकेले नहीं है, ये पूरा का पूरा आप परिवार साथ है, है कि नहीं, सब पूरा परिवार साथ है, क्योंकि ये हमारा आखिरी मौका है, हम इस लेवल तक पहुंच गए हैं, पूरे प्रदेश आगे बढ़ गए, सब धंधा आगे बढ़ गया, बस राजस्थान गड्ढे में पड़ा रहे। अरे भाइयों माता बहने, हमने सपना देखा, उस सपने को हम लोग पूरा करेंगे, मिलके करेंगे, मेरे हाथ में जादू नहीं है, परंतु मैं ये कहती हूँ कि अगर हमारा पूरा परिवार लग जाता है तो एक किस्म से जादू है, ये प्यार का और ताकत का जादू है, उसको अजमा के देखो तो सही, एक के हाथ में नहीं है जादू, किसी एक मुख्यमंत्री के हाथ में नहीं है, किसी एक पार्टी के हाथ में नहीं है, उसमें पार्टी है, उसमें जो चलता आगे है उसका है, उसके कार्यकर्ता का है, उसकी जनता का है, जब सब लोग महिला पुरुष सब लोग युवा एक साथ होकर आवाज उठा के चलने लगते हैं ना, तो कोई उनके विकास को रोक नहीं सकता। आपने देखा जिंदगी निकल गई, जिंदगी निकल गई, हम लोग सब बैठे हुए हैं यहाँ, हमने देखा कि आज आता है, कल आता है, परसों आता है, अब हमने ये कह दिया कि नहीं आता है, चलो भगवान ने हमारे लिए कहा, नहीं इसकी लड़ाई लड़नी है, हमारे बच्चे और सामने बैठे हुए हैं, हम लड़ेंगे, तुम लड़ने को तैयार हो, हम लड़ेंगे, तुम लड़ने को तैयार हो क्या, अपने खुद के लिए लड़ने को तैयार हो क्या, अगर लड़ने को तैयार हो, अपने घर के भविष्य के लिए लड़ने को तैयार हो तो मेरे को हाथ ऊपर करके बताओ कि हाँ, और मुट्ठी बंद करके याद रखना कि ये जो कांग्रेसी हाथ है ना, इतने बहुत सारी बदमाशियां की है, इस कांग्रेसी हाथ ने महिलाओं की गर्दन दबाए हैं, आप लोग सबके जेब ताके हैं और ये चलता जाएगा, ये खूनी हाथ है, इस हाथ को नहीं, इस मुट्ठी को बंद करके तय कर लो कि हम लोग अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे और हम मिलकर लड़ेंगे और लड़के हम कामयाब होंगे और एक नया राजस्थान बनाएंगे जिसमें हमारी महिला बिना डर के चले, जिसमें हमारा किसान मजबूती के साथ खड़ा हो जाए, उसको सही टाइम पे बिजली, सही टाइम पे पानी, सही टाइम पे खाद, सही टाइम पे बीज और सही दाम उसके फसल के लिए उसको मिले, एक ऐसा समय निकाले हम लोग, हमारे बच्चों को मिले नौकरी, इन सब चीजों को करने के लिए हम लोगों को अपनी आवाज उठाने की जरूरत है। और मैं अब विश्वास करने में आई हूँ कि आप लोग इतनी ताकत रखते हो कि हम लोग मिलकर ये काम कर सकते हैं, अकेले नहीं परंतु साथ, हाँ अकेले ताकत नहीं है परंतु साथ एक ऐसी ताकत है जिससे कोई टकराएगा तो चूर चूर हो जाएगा। इसलिए हाथ ऊपर करके मेरे साथ जोरदार भंडारा, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, एक जोरदार नारा राजस्थान के लिए, जोरदार नारा, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। Thank you.